दबंगों के कहर की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं एक घटना उस वक्त हुई जब रामपुर के थाना शाहबाद के रायपुर का मजरा निवासी समीर राजपूत थाना सिविल लाइंस में ऑनलाइन कंपनी का बिजनेस करता था। इसी दौरान साथ में काम करने वाली युवती से उसकी मित्रता हो गई। जल्द ही विवाह सूत्र में बंधने वाले थे। मध्यरात्रि अपने होने वाले ससुर बोचाम माहौर और साले विशाल माहौर के साथ सिविल लाइंस चौकी ज्वाला नगर के पार्सकेट प्लाई के निकट ससुराल के घर शिव विहार वापस लौट रहे थे। इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर पीछा कर रहे बाइक सवार दो हमलावरों ने समीर राजपूत को कनपट्टी पर सटाकर गोली मार दी और साथ में ससुर और साले भी गंभीर रूप से घायल होकर नीचे गिर पड़े। ये मर्डर मुझे शाम को जानकारी हुई कि प्लाई रोड पे शिव विहार जो मोहल्ला है कॉलोनी है उसमें ये बोध श्याम जी रहते थे। ये भी भारतीय जनता पार्टी से समर्थित हैं, हमारे सपोर्टर हैं। तो इनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मेरे दामाद को गोली मार दी। अब बात को पता चला, हम पहुँचे, हमने कहाँ हैं तो रास्ते पे घटना स्थल पे जा रहे थे, पता लगा हॉस्पिटल आ गए तो जिला अस्पताल आया तो यहाँ से रेफ़र कर दिया था। मेरा ड्राइवर किया, ये मुरादाबाद हॉस्पिटल ले गए, पता लगा फ़ोन पे बात हुई, डेथ हो गई। अब यहाँ मोर्चरी में उसका शव आया। किसने मारा है इसको? अब किन लोगों ने मारा है, जो बता रहे थे कि मेरे दामाद हैं तो पता लगा कि दामाद थे नहीं, दामाद होने वाले थे, कहीं रिश्ते की आपस में बात हो गई थी। जो मृतक है वो लड़का कोई ऑनलाइन कंपनी चलाता था, यहाँ कहीं ऑफिस था शाहबाद गेट के आसपास। और जो यहाँ बहुत श्याम जी जिन्होंने मुझे बताया था जिसके घर वो जा रहा था, तो उनकी बेटी से रिश्ता हुआ है, बात हो गई थी, वही ऑफिस में भी काम करती थी इनकी। वहीं हमलावर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। घायल समीर राजपूत को उपचार के लिए हायर सेंटर ले जाते हुए मुरादाबाद में उसकी मौत हो गई।